नमस्कार दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना रिलेटेड नई अपडेट निकलकर सामने आई है। यहाँ पर जो राशन डीलर हैं उनको काफ़ी परेशानी होने वाली है, पर यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा योजना का जो लाभान्वित हैं उनको काफ़ी फायदा यहाँ पर होने वाली हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बता दूं कि भजनलाल सरकार नए नियम पर नियम और जो कानून है उसको कठोर कानून करते ही जा रही है, पर यहाँ पर जो फायदा होने वाला है, सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना के जो लाभान्वित हैं उनको काफ़ी फायदा यहाँ पर होने वाला है। अब ये नया नियम क्या बना है भजनलाल सरकार ने और काफ़ी नियमों से लाभान्वित को किस तरह से फायदा होने वाला है, इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना के रिलेटेड एक नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यहां पर जो खाद्य सुरक्षा योजना के जो लाभान्वित हैं उनको तो यहां पर फायदा होने वाला है, पर जो राशन डीलर हैं उनको काफी यहां पर नुकसान भी होने वाला है और परेशानी भी होने वाली है। तो ऐसे क्या नियम बनाए, ऐसा क्या प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है जिससे इस नियम से उनको फायदा नहीं पहुंचने वाला है, तो क्या होने वाला है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से पता चलने वाली है। तो आपको बता दूं, खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जिसकी भी आयु जो लाभान्वित है, जिसकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है, जो बुजुर्ग में आ रहे हैं, जिनकी पेंशन अभी मिल रही है, तो ऐसे लोग जिनके अंदर राशन कार्ड में वही हो, कोई बच्चा ना हो, मान लीजिए अगर वो 18 साल से छोटा है तो वो भी नहीं गिना जाएगा, और 60 साल से ज़्यादा है तो भी नहीं गिना जाएगा। और जो राशन डीलर हैं वो राशन जो होगा, जो गेहूं होगा, जो दूसरा जो राशन मिल रहा है, वो राशन उस घर पर आकर देगा, यानी कि उस घर उपभोक्ता जो होगा, जो जो राशन जो लेने वाला होगा, जो खाद्य सुरक्षा योजना का जो लाभान्वित है, उसके घर जाकर उसको राशन यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ये भजनलाल सरकार का यहाँ पर नया नियम बनाया है, यानी कि भजनलाल सरकार ये कहना चाहती है कि जो बुजुर्ग संपत्ति है, जो विकलांग है, मान लीजिए किसी राशन कार्ड के अंदर कोई विकलांग है, तो उसका जो राशन है वो उसके घर पर यहाँ पर पहुँचाना जरूरी होगा। अब जो राशन डीलर हैं उससे क्या बात होगी, किस तरह से उनको कोई पैसा मिलेगा, उसके बारे में तो कोई अपडेट अभी तक नहीं दी गई है। और साथ ही हमें बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई क्या फूड्स पैकेट जो होते थे, जो केंद्र सरकार अभी जो प्रोवाइड करना चाहती है या नहीं करना चाहिए, या राज्य सरकार क्या फूड्स पैकेट जो जो कांग्रेस सरकार पहले प्रोवाइड कर रही थी, या गई सरकार गहलोत सरकार जो प्रोवाइड कर रही थी, क्या अब भाजपा सरकार जो है, या फिर कह सकते हैं भजनलाल सरकार जो है, क्या प्रोवाइड करेगी या नहीं। तो आपको बता दें, अभी फिलहाल कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर कोई फूड्स पैकेट जो है, यानी कि चना दाल और जो मतलब गेहूं वगैरह जो साथ में दिया जाता था, जो तेल वगैरह, तो क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो इस बार कोई ऐसी अपडेट नहीं है दोस्तों। तो आपको बता दूं, अभी नई अपडेट ये है, नया नियम ये है कि जो राशन डीलर है वो राशन आपके घर तक यहां पर प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी एज 60 प्लस है, या फिर आप विकलांग हो, या फिर आपके घर पर किसी की आयु 18 वर्ष से कम है, यानी कि वो बच्चे के अंदर आ रहा है, वो उसको मतलब यौन मतलब अवस्था में नहीं है, अभी पहले छोटा है, तो उस ऐसे है, ठीक है। आप अगर उस राशन कार्ड के अंदर जो भी मतलब एज वाला रिलेटेड में उसमें 22 साल से मतलब 18 साल से ज़्यादा है, 22 साल का, 21 साल से, या फिर 50-60 साल से कम का है, तो फिर उसको राशन वहाँ पर ही ले जाना पड़ेगा, यानी से वहीं पर जाकर उसको राशन देना पड़ेगा। ये नियम यहाँ पर भजनलाल सरकार ने बनाया है, और ये बता दूँ आपको, ये जो नियम है वो कांग्रेस सरकार में बना था, अब इसको फॉलो नहीं किया गया था, पर अब भजनलाल सरकार इसको फॉलो करने के लिए काफ़ी यहाँ पर तैयार हैं, और नोटिफिकेशन यहाँ पर भी जारी कर दिया गया है। अपडेट ऐसी अपडेट देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे कमेंट करके यहां पर जानकारी हमसे पूछ सकते हो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।